हारून रिश्ता बहुत अच्छा है और मैं अब हाँ कर चुकी हूँ। लेकिन मेरी तरफ से साफ इनकार है। जी पागल सी लड़की है, ऐसे अगर किसी ने समझाया तो जाने क्या कर बैठे। मुझे क्या, जो मर्जी करे। तुम रो रही? पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारी माँ का, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। माई तुमसे अम्मी ने क्या कहा? ये झूठे वादे क्यों किए थे मुझसे जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे, बताओ। माई मैं अपनी जान से जा सकता हूँ लेकिन अपने वादे से फिर नहीं सकता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तो ये बात जाकर अपनी माँ को भी समझाओ ना। जो उल्टे सीधे रिश्ते उनकी बेटियों के लिए आ रही है उनमें वो मुझे फिट करी जा रही है। क्या मैं वहां रहती हूं? मैं बोझ हूं उन पर। सदा फापी की तरह क्यों मुझे अपने सर से उतारना चाहती है वो? खाला माफ कीजिएगा, उसे बच्ची है, बेवकूफ है वो। उनको तुम अपनी जुबान में समझा लो कि वो बाज आ जाए। मैं इससे ज्यादा इंसल्ट अपनी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर मैं भूल गई ना कि वो मेरी खाला है तो अच्छा नहीं होगा। हमें ऐसी कौन सी तौहीन कर दी मैंने तुम्हारी? अगर तुम्हारी अपनी माँ होती और तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढती तो क्या उसके भी ऐसे ही बाल नोचती तुम? आप मेरी माँ नहीं है तो माँ बनने का ड्रामा मत करें। और वो रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, किसी और की झूठी कीरा मेरे मुंह में ठूसना चाहती है। बस बेटा, यहां बुटीक का काम ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। नई सिलाई कढ़ाई बिला मुआवजा सिखाई जाती है सिर्फ लड़कियों के लिए। चलो अब अंदर चलें। आप ही अम्मी से पूछा था ये पोस्टर लगाने से पहले? तो क्या आप सांस भी अम्मी से पूछ कर लें? आप भी? जो यकीन नहीं आ रहा, ये बात आप अम्मी के लिए कह रही हैं? समरा प्लीज मेरे से बहस मत क्या करो। अच्छा चलो जाओ, जाकर रोटी डालो और अम्मी से फोन करके पूछ लो कि उन्होंने खाना तो नहीं खाया। और ये मोइस कहाँ पर चला गया है? क्या देख रही हो ऐसे? क्या मेरे सर पे सींग निकल आए? सर पे सींग निकल आए होते ना तो शायद तब भी मुझे इतनी हैरत नहीं होती। समरा जी, तुम ना अम्मी को प्लीज मुनासिब अल्फाज में खुद ही समझा दो कि अब मेरे रिश्ते के लिए लोगों को ना बुलाएं। मैं ना अब अपनी मेहनत से अपने काम को बहुत बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप ही आप खुद ही कह दें। अगर मैं खुद कहूंगी तो शायद अम्मी को मेरे लफ्जों से तकलीफ पहुंचे, इसलिए तुम उन्हें कुछ कह दो। अम्मी आ गई। Thank you.
माहिन बीबी, माहिन बीबी, दुल्हन बीबी कह रही बाहर आके खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। जी ठीक है, हो गई। गज भर की लड़की है और जबान तो देखो इतनी लंबी, अरे कुछ सुने तो दांतों में उंगलियां दबा ले। अम्मी आप उसकी बात समझने की कोशिश तो करें। क्या मतलब है तेरा, यानी वो ठीक है मैं गलत हूँ, यानी वो मुझे अपना दुश्मन समझती है तो ठीक है। अम्मी परेशान है वो, ऊपर से ना ही उसका अपना घर है ना ही रिश्ता, किसी और का आया हुआ रिश्ता, अगर आप उसके सर पे थोपेंगी तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी। ये क्या कह रहा है तू, तू कह रहा है ये? अम्मी एक पल के लिए उसकी जगह अपने आप को रख कर देखे। बेजा हिमायत करने की सूरत नहीं है, ये किताबी बातें हैं सारी, ना इनसे पेट भरता है ना सर ढांपा जाता है। बेवकूफ इंसान, उसका सर ढांप रही हूँ, उसकी शादी करा रही हूँ, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, और क्या चाहिए। आप सही कर रही हैं या गलत, अगर उसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है तो आपका खलूस भी बेकार। अरे दिमाग खराब हो गया उसका, जो कुछ उसकी आंखों में मैंने देखा है ना वो किसी को नजर नहीं आ रहा, आंखें फट गई उसकी नाला के घर जाके, अब वो ये गली मोहल्ला के रिश्ते थोड़ी देखेगी। अम्मी ये भी तो हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। अरे चल पसंद करती हो, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, माहीन जैसी लड़की किसी को पसंद कर ही नहीं सकती। करती है पसंद, वो मुझे और मैं उसे। हारून प्लीज। तो क्या तुम है, मेरे घर में तमाशा लगा रखा है, तुमने देखा था वो जाहिल लड़की किस तरह मेरे घर में खड़े होकर चीख रही थी। और माफ करना, तुम्हारी वो नफीसा खाला ना अपने घर के झगड़े उठाकर यहां ले आती हैं। नायला मैं पूरा दिन काम करता हूं, शाम को अपने घर सुकून के लिए आता हूं, अपने बीवी बच्चों के साथ खुशगवार वक्त गुजारने आता हूं, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। और तुम जानती हो मैं बड़े जर्फ का इंसान नहीं हूं नायला, नायला बैठो मेरी बात सुनो। देखो नायला इस वक्त तुम्हें भी सुकून की जरूरत है, ऐसी हालत में हमारा पुरसुकून होना, खुशपाश होना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। अरसल और मीरा को भी तुम्हारी तवज्जो चाहिए, हमारे घर में जो ये तमाशा लगा हुआ है, जो शोर शराबा हो रहा है, इसका हमारे बच्चों के इमेज और ज़हन पे क्या असर पड़ेगा तुमने सोचा है कभी? आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मैं भी क्या करूं, अब माहिन को घर से तो नहीं निकाल सकती ना, उसे ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती। मैं तब कह रहा हूं कि उसे घर से निकाल दो, अकेला छोड़ दो, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए, तुम अच्छी तरह जानते हो। देखो नायला कुछ भी करो इस मामले को मैनेज करो, क्योंकि मुझे अपने घर का सुकून और खुशी वापस चाहिए बस। करती है पसंद, वो मुझे और मैं उसे। और वो रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, किसी और की झूठी कीड़ा मेरे मुंह में ठूसना चाहती है। वाले बने कुवत, किस सैनिक की लड़की है ये, और जो कुछ वो इसने कहा है, जानना रहम कर मेरे हाल पर।
किया। या अल्लाह मेरा वहम खुदा ना करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह रहम अम्मी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनकर कितनी खामोशी से उठकर चली गई। भला कुछ तो कहती, पसंद है तो खुश होती या गुस्सा करती। कुछ नहीं होगा, वक्त लगेगा, मान जाएंगी। माँ ही भांजी भी तो है उनकी। मालूम करने के लिए फोन किया कि कहीं दोबारा खुदकुशी तो नहीं कर ली मैंने। नहीं, मैं जानता हूँ कि मोहब्बत के जज्बे में इतनी ताकत है कि वो अपनी जान लेने की बजाय दूसरे की जान लेना ज्यादा बेहतर समझता है। तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अम्मी को बता दिया। तुम पूछोगे नहीं क्या बता दिया? जानती हूँ, लेकिन चलो तुम भी बता दो। मैंने अपने और तुम्हारे बारे में अम्मी को सब बता दिया है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुशी से उछल रही होंगी वो तो। नहीं, वो खामोश हो गई होंगी। सोच रही होंगी कि जिस मुसीबत को मैं अपने गले से उतारने की कोशिश कर रही हूँ, वो तो मेरे घर में बसने के ख्वाब देख रही है। बस हमारे जीते जी, तुम्हारी अम्मी हमें कभी भी एक नहीं होने देगी। माही मेरी बात सुनो। माही बेवकूफ। क्या हो गया? तुमने रात को भी खाना नहीं खाया, दोपहर को भी खाने पे नहीं आई और नाश्ता भी नहीं किया। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, वहीं आ रही थी। माही, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, क्या मुझे कुछ समझाने का हक है? है हक, अब तो सबको हक है। तुम फिर गलत सोचने लगी हो। अच्छा, नहीं सोचती। बताएं क्या कहने आई थी आप? हाला हमारी बड़ी हैं, मुझे लगता है कल उनसे यूं ऊंची आवाज में तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी माँ की जगह है। आप ही मेरे माँ बाप मर चुके हैं, और उनके मरने के साथ साथ क्या मेरा अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक भी दफन हो चुका है? क्या मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी का कोई फैसला कर सकूं? ऐसा किसने कह दिया माही? तुम्हें पूरा हक है, तुम जो करना चाहती है वो करो। तुम हमें बताओ, तुम अपनी जिंदगी जिस तरह गुजारना चाहती हो गुजारो, तुम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप ही मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, और इस दौरान खाला मेरा कोई रिश्ता ना देखे प्लीज। मैं पढ़ूंगी नहीं तो कुछ बनूंगी कैसे?
मैं शादी करूंगी लेकिन अपनी टर्म्स पे, ऐसे नहीं। प्लीज आप ही आप कुछ करें ना। आई अंडरस्टैंड। तुम एडमिशन के लिए अप्लाई करो, अपनी तालीम मुकम्मल करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, मैं देखती हूँ तो कोई तुम्हें कैसे रोकता है। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अम्मी, ये ले चाय। आई, ये तो बहुत अच्छा किया, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। आप कह रही थी सारी रात नींद नहीं आई, तो दर्द की कोई गोली दे दूं? नहीं नहीं, ये बता के वो इसको नाश्ता दे दिया। अम्मी, आप ही ने तो नाश्ता बना दिया था, बट भाई तो बगैर नाश्ता किए चले गए, कह रहे थे उन्हें देर हो रही है। अम्मी, मुइज भाई का मूड थोड़ा ऑफ सा था, क्या कोई बात हुई आपसे? कॉलेज नहीं गई आज तू? अरे मैं तो बताना भूल गई, मेरे एग्जाम शुरू हो गए ना, तो आपसे कम कम ही जाया करूंगी। अम्मी, कल आप लोग नायला बाजी के यहाँ गए थे, क्या हुआ था वहां पर? कुछ नहीं, हमें तो लगा था कि आप लोग माहिन को साथ लेकर आएंगे, लेकिन भाई तो सिर्फ आपको लेने चले गए। माहिन अपने कपड़े और सामान लेने आई थी, यहाँ रहने नहीं आई थी। और तेरे इम्तिहान हो रहे, तो ध्यान अपनी किताबों में पढ़ने में लगा ना, इन बातों में क्यों ध्यान लगा रही है? अम्मी, एक बात करनी मुझे आपसे। माँ बोल, सुन रही हूँ। कल जो रिश्ते वाले लोग आए थे, क्या बोल, बात पूरी कर। सदफ, आप ही बहुत डिस्टर्ब हैं आजकल। अम्मी, वो अपना बुटीक का काम करना चाहती हैं। मेरा मतलब है, कुछ अरसे तक ये रिश्ते शादी वगैरह। मैं उसकी माँ दुश्मन नहीं हूँ, जो उसके लिए अच्छा होगा वो करूंगी। अरुण भाई का विजिटिंग कार्ड। माइन बीबी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो ड्राइवर से को गाड़ी निकाली। वो तो दुल्हन बीबी कहीं गई है गाड़ी लेके ड्राइवर के साथ। कहाँ गई हैं? पता नहीं, कह रही थी कोई काम है, आप उनका इंतजार कर लें। जितना पूछा जाए ना उतना बोला करो, मैंने मशवरा नहीं मांगा तुमसे, चलो जाओ। इंतजार कर ले, सब कुछ आपका अपना है ना, इसलिए मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप भी आइए ना। मैं ठीक हूँ। आप जी? मैं, थैंक यू, शुक्रिया।
आप भी इतना सब कुछ इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? हम क्या आपके कोई रहन है? अच्छा दादी अम्मा, मेरे ध्यान में नहीं रहा। खाला घर पे हैं? जी जी, बल्कि अभी ना मैं आपके बारे में ही बात करूँ। मेरे बारे में? जी। क्या कल आपके घर पे क्या हुआ? मैंने कुछ बताया ही नहीं, बस कह रही थी सारी रात से सो नहीं सकी। आप भी कोई बात हुई है माइन को लेकर? नहीं। और तुम भी ना बहुत बोलने लगी हो, मुझे तो लगा था तुम सदर की तरह कम गो। रहने दें आप ही, जो कम बोलता है ना और अपने आप के लिए आवाज नहीं उठाता, उसे ये दुनिया अपने पैरों तले रौंद देती है। और माफ कीजिएगा, मुझे वैसे भी सदा पापी का क्या? शायद आप ठीक कह रही हैं, मैं शायद ज्यादा बोल देती हूँ। बेमकसद और सोचे समझे बगैर बोलती हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप आए ना, अम्मी अपने कमरे में है। हाँ आए, चलो। मौज हमारे जीते जी, तुम्हारी अम्मी हमें कभी भी एक नहीं होने देगी। नहीं नहीं अम्मी, इतनी सख्त नहीं है अम्मी, मेरी ख्वाहिश को मेरी खुशी को कभी मना नहीं करेंगी। मैं आज ही जाकर अम्मी से बात करूंगा और मनवा कर उठूंगा। हाला आप माहिन के रिश्ते के लिए इनकार कर दें? तुमसे मुझे इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी। खाला मैं पूरी रात इस बारे में सोचती रही हूँ और सो नहीं सकी हूँ। फिर मैंने माहिन से बात की, माहिन तो किसी सूरत भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तुम भी उसकी बातों में आ गई है? देखिए ना, उसकी जिंदगी का मामला है, हम कोई फैसला उस पर मुसलत तो नहीं कर सकते। देखो मेरी बात सुनो, वो पढ़ना चाहती है, मेरी बात हुई है उससे। वो तो मुझसे कह रही थी कि एटलीस्ट 2 साल तक उसे कोई भी शादी का ना कहे, वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहती है। और अगर देखा जाए तो ये कोई नाजायज ख्वाहिश भी नहीं है। मुझे तो उसकी बात समझ आई है, मैंने उससे वादा कर लिया है। मेरी बात सुनो, ये इतना अच्छा रिश्ता दोबारा मिले ना मिले, इसको छोड़ के बल्कि ठुकरा के। हाला रिश्तों का क्या है, रिश्ते तो आते जाते रहते हैं और आते रहेंगे, लेकिन देखें ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, उसके पैरों पे खड़े होने का वक्त है ये। और वैसे भी माहिन अभी इमेच्योर है, वो मुझे नहीं लगता हम उसकी शादी करेंगे तो घर संभाल सकेगी। अच्छी बात है ना, उसको थोड़ा वक्त मिल जाएगा, थोड़ी थोड़ी घरदारी सीख लेगी। अल्लाह करे सीख जाए, कुछ कुछ अकल आए इस लड़की को। ठीक है, जब तुम लोगों ने आपस में फैसला कर ही लिया तो फिर मैं कौन होती हूँ कहने वाली। लेकिन मैं एक बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ, खास तौर पे याद रखना मेरी बात, कल को कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो मुझे ताना मत देना। हेमत कहना कि सगी हाला थी, ख्याल नहीं किया, समझाया बुझाया नहीं, मेरा जिम्मा तोश पोश है, बस तुम जानो तुम्हारी माहिन जानो। जी। मुझे मेरे ख्वाबों को पाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो जी नायला, आप ही, मैंने फॉर्म जमा करा दिया, फ्री हो गई हूँ, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो।
क्या बात है? क्यों मंडला रहा है मेरे इर्द-गिर्द? क्या बात करनी है जल्दी बता, फिर मुझे वजीफा भी करना है। वो समरा बता रही थी, नायला आई थी, क्या कह रही थी? हाँ आई थी। अम्मी मैंने रात को भी आपसे बात की थी, आपने जवाब नहीं दिया। अम्मी मैं माहीन को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, बस आप पहला से बात कर लें और रिश्ता पक्का कर दें। प्लीज प्लीज ना। माहीन ने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। नायला कह रही थी कि अभी 2 साल तक तो शादी का कोई इरादा नहीं है, तो फिर जाहिर है मैं बात कैसे करती? तो आप उन्हें बता देती ना कि मैं और वो तो एक दूसरे। अरे ये किस मुँह से बात करते, जब उसने कह ही दिया कि भाई 2 साल तक शादी वादी नहीं करनी हमें, और वैसे भी अब नाले नहीं सब कुछ करना है, उसी का फैसला होगा जो भी होगा। जा इतने बेचैन हो रहे हैं तो जाके उसके आगे झोली फैला ली कि अब तो उसी का फैसला माना जाएगा, मैं नहीं कुछ कर सकती। एक्सक्यूज मी जी, हैरोल साहब का ऑफिस कहाँ? जी मैं यहीं। मोहसिन साहब, कशान और सामा सबको लाइन अप करें। जी सर। मीटिंग करते हैं, देखते हैं 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ क्या कर रही हो? वो यूनिवर्सिटी फॉर्म जमा कराने के लिए गई थी। नायला भी पता नहीं गाड़ी लेकर सुबह कहाँ चली गई, तो मुझे रिक्शे पर ही जाना पड़ा। तो वो जो भी कहना है जल्दी कहो, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है अभी। वो मेरा वॉलेट गिर गया है मेरे बैग से, उसमें पैसे थे यूनिवर्सिटी के फीस के भी और घर भी जाना है। नायला आप ही ने आपके ऑफिस का कार्ड दिया था ना कि यूनिवर्सिटी से करीब है, कभी भी कोई मसला हो तो वहाँ चली जाना। आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आई कि मैं और क्या करूँ। ये काउंट करे कितने?
नहीं नजर आ रहा, प्रॉमिस। ओके ओ कहाँ गई मीरू? और आवाज आ रही थी मुझे अभी मीरू चौहान। क्या बदतमीजी है? इसका बचपना खत्म ही नहीं हो रहा। अचानक से इस्लामाबाद जाने का प्लान कैसे बन गया? आप सुबह तक तो कुछ प्लान नहीं था। यार अचानक ही मीटिंग फाइनल हुई है इंटरनेशनल फर्म के साथ। दो दिन बाद वो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। बस दुआ करूँ सर डील फाइनल हो जाए। मुझे तो डॉक्टर के पास जाना था चेकअप के लिए। तुम चली जाना अकेली, ड्राइवर ले जाएगा ना तुम्हें? माहीम भी आजकल पढ़ाई में इतना बिजी हो गई है, नहीं तो मैं माहिन के साथ ही चली जाती। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, देख रहा था कि चीजें पूरी है ना। एक सेकेंड, मैं चेक करूं कुछ रह तो नहीं गया। मिसेस हारून बहुत वीकनेस है, आपको अपनी डाइट पर तवज्जो देनी होगी। डॉक्टर साहब मैं तो प्रॉपर डाइट लेती हूँ। फिर भी आपको कुछ दिन बहुत एहतियात करनी होगी, बल्कि मेरा तो मशवरा है डाइट प्रॉपर लीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा और वजन तो बिल्कुल नहीं उठाइएगा जी। और हाँ, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़िएगा। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इसे कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। तीन दिन हो गए आपको गए हुए हारून, दो दिन का कह के गए थे आप। मिस कर रही हूँ मैं आपको। मैं भी तो मिस कर रहा हूँ तुम्हें, बच्चों को, घर को। मैं कुछ नहीं जानती, अब आप मजीद दो दिन रुकने का कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कल वापस आ जाएं। जाने हारून, काम खत्म होगा तो आऊंगा ना। अच्छा सुनो, तुमने वही करना है जो डॉक्टर ने कहा है। अपना बहुत ख्याल रखो, मेडिसिन टाइम पे लो और खाने पीने का बहुत ख्याल रखो। मिस यू। आई नो, मैं होता तो खुद ख्याल रखता। माहीन, माहीन।
नहीं किया। मैं भी हॉस्पिटल चलूंगी। साहब चिकित्सा घर पे रुको, और कुछ से कुछ ना, इसे कुछ ज्यादा सब खत्म हो जाएगा।